हेलो स्टैंड क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेवेंटीन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइड अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टन डेट्स एज फॉलोज टू हंड्रेड द फर्स्ट डे टू हंड्रेड फिफ्टी फॉर द सेकेंड डे एंड थ्री हंड्रेड फॉर द थर्ड डे द पेनल्टी फॉर इज सक्से बींग फिफ्टी रुपीज मोर देन द प्रीसीडिंग डे शेडिंग डे हाउ मच मनी विल द कॉन्ट्रैक्टर हैव टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज़ डिले द वर्क बाय थर्टी थर्टी डेज अब इसमें देखो पेनल्टी कितना ऐड कर रहा है फिफ्टी रुपीज़ तो अब क्वेश्चन क्या पर 50 है पर डे फिफ्टी रुपीज़ पेनल्टी ऐड कर रहे हैं तो अगर थर्टी डे वर्क डिले हो जाता है तो उसको कितना पेनल्टी देना पड़ेगा ये इसमें पूछ रहा है तो अब इसको फाइंड कर लेते हैं फर्स्ट डे पेनल्टी क्या है टू हंड्रेड सेकेंड डे पेनल्टी टू फिफ्टी एंड थर्ड डे थ्री हंड्रेड इसमन डिफरेंस क्या है टू हंड्रेड फिफ्टी माइनस टू हंड्रेड यहाँ डायरेक्ट दिया हुआ है कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा फिफ्टी ठीक, तो ठीक है तो और इसमें क्या बोल रहा है डे बता दिया है लास्ट नंबर लास्ट क्या है लास्ट नंबर क्या है थर्टी तो अब इसमें एन का वैल्यू क्या आ जा रहा है थर्टी तो एन के प्लेस में थर्टी लिख करके सॉल्व कर लेते हैं ठीक है ठीक है फर्स्ट टर्म टू हंड्रेड कॉमन एन क्या है थर्टी सम फाइंड करना है ना कि थर्टी डेट डिले होता है तो फिफ्टी फिफ्टी कितना ऐड हो जाएगा तो इसीलिए सम ऑफ प्रोग्रेशन का फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे एस थर्टी एन के प्लेस में थर्टी अपॉन टू देखो फार्मूला क्या है एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन थर्टी पॉइंट टू टू ए क्या है टू हंड्रेड टू हंड्रेड लिए एन क्या है थर्टी थर्टी माइनस वन डी फिफ्टी फिफ्टी लिए टू हंड्रेड टू जा फोर हंड्रेड थर्टी माइनस वन ट्वेंटी नाइन इंटू फिफ्टी टू फिफ्टीन जा थर्टी ठीक है ट्वेंटी नाइन फिफ्टी जा क्या होता है फोर्टीन हंड्रेड फिफ्टी मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों का ऐड किए एटीन हंड्रेड फिफ्टी इंटू फिफ्टीन फिफ्टीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो पेनल्टी कितना होगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी रुपीज़ तो ये हो गया इसका आंसर ईजी है क्योंकि इसमें सब कुछ दिया हुआ है क्लियरली फर्स्ट टर्म भी दिया है कॉमन डिफरेंस भी दे दिया है एंड एंड भी दिया हुआ है तो इसका हम लोग ओनली वैल्यू पुट करके सॉल्व कर, कर लिए अब क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं सम ऑफ सम ऑफ़ हंड्रेड इज़ टू बी यूज टू गिव सेवन कैश प्राइज ऑफ स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल अकेडमिक परफॉर्मेंस इफ इच प्राइज इज टेन रुपीज लेस देन इट्स प्रिशाइडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यू ऑफ इच ऑफ द प्राइज अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि सम क्या है सेवन हंड्रेड है मतलब टोटल मनी क्या है सेवन हंड्रेड है इसमें से वो क्या है सेवन कैश प्राइज निकालता फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज सेवेंथ प्राइज तक ठीक है तो टोटल अमाउंट क्या दिया हुआ है सेवन हंड्रेड टर्म इसमें कितने बन रहे हैं सेवन टर्म सेवन प्राइज देंगे तो देखो टोटल मनी क्या हो गया सेवन हंड्रेड टर्म क्या बन रहे फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज थर्ड प्राइज फोर्थ प्राइज फिफ्थ एंड प्राइस प्राइस तक देना है तो टर्म कितने हुए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन तो एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सेवन हो जाएगा इसमें क्या हो कॉमन डिफरेंस डिफरेंस कितने कितने का है टेन का डिफरेंस है लेकिन क्या बड़ा इफ इच प्राइज इज टेन लेस मतलब क्या है अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट जो भी फर्स्ट प्लेस में आए उसको हम लोग हंड्रेड रुपीज दे रहे हैं तो सेकेंड प्राइज वाले को नाइन्टी दे रहे हैं ठीक है थर्ड प्राइस वाले को क्या दे रहे हैं एटी टेन लेस कर रहे हैं ना इसमें क्या रहे हैं टेन लेस देन इज प्राइज फर्स्ट वाले से वो टेन मतलब दस रुपए कम है तो हंड्रेड एग्जाम्पल ले रहे हैं अगर हंड्रेड है तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा नाइनटी देन एटी और कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म तो क्या हो जाएगा नाइन्टी माइनस हंड्रेड तो क्या हो जाएगा माइनस टेन तो कॉमन डिफरेंस क्या रहा है माइनस टेन अब इसको लेकर के सॉल्व कर लेते हैं ठीक है टोटल नंबर ऑफ प्राइस क्या हो गया सेवन सेवन प्राइस हैं अमाउंट टोटल कितना है सेवन हंड्रेड और इनके बीच में डिफरेंस कितने का है माइनस टेन का है ठीक है कॉमन डिफरेंस क्या है डिफरेंस टेन का है लेकिन कॉमन डिफरेंस जब हम लोग सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर रहे हैं तो क्या आ रहा है माइनस टेन ठीक है अब इसमें हम लोग को सम फाइंड करना है तो सम फाइंड कर लेते हैं सम वाले फॉर्मूला सम ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूला से एन अपॉइन टू टू ए प्लस एन माइनस वन

अब देखो इसको सॉल्व किए टू ए प्लस सेवन माइनस वन सिक्स माइनस टेन टेन इंटू सिक्स क्या हो गया सिक्सटी एंड माइनस प्लस माइनस ठीक है टू हंड्रेड माइनस सिक्सटी को ट्रांसफर करें तो प्लस सिक्सटी हो जाएगा ठीक है प्लस सिक्सटी इसलिए टू हंड्रेड प्लस सिक्सटी लिखे टू ए दोनों को ऐड किए तो क्या होगा टू हंड्रेड सिक्सटी ठीक है अब टू को ट्रांसफर किए डिवाइड में आ गया टू वन जो टू टू थ्री सिक्स टू जीरो जीरो तो फर्स्ट ए का वैल्यू क्या आ रहा है वन हंड्रेड थर्टी रुपीज फर्स्ट टर्म इज वन हंड्रेड थर्टी तो फर्स्ट प्राइस, ए मीन्स फर्स्ट टर्म है मीन्स फर्स्ट प्राइस क्या मिल रहा है वन हंड्रेड थर्टी रुपीज तो फर्स्ट प्राइस क्या लिए वन हंड्रेड थर्टी तो सेकेंड प्राइस क्या होगा लेस देन टेन रुपीज रहा है ना तो टेन टेन माइनस करते जाएंगे वन थर्टी माइनस टेन क्या वन ट्वेंटी मीन्स सेकेंड प्राइज क्या मिला वन ट्वेंटी रुपीज थर्ड प्राइज में क्या करेंगे वन ट्वेंटी माइनस टेन वन हंड्रेड टेन थर्ड प्राइज इज वन हंड्रेड टेन रुपीज फोर्थ प्राइस क्या होगा 110 10, 100 10 माइनस 10 मींस 100 रुपीस, फिफ्थ प्राइस क्या होगा फोर्थ नंबर है फोर्थ प्राइस माइनस 10 फोर्थ प्राइस क्या था 100 100 माइनस 10 90 सिक्स्थ प्राइस में क्या करेंगे फिफ्थ प्राइस माइनस 10 मींस 90 माइनस 10 80 सेवेंथ प्राइस में क्या करेंगे फाइंड करने के लिए सिक्स्थ प्राइ तो क्या क्या आ रहा है प्राइस वन थर्टी वन ट्वेंटी वन हंड्रेड टेन हंड्रेड एंड सेवेंटी रुपीज बस इसी टाइप से इसको सॉल्व करना है लेस देन बोला था इसलिए माइनस टेन ले लिए अब क्वेश्चन नंबर नाइनटीन देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर नाइनटीन टू हंड्रेड लॉग्स आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स ट्वेंटी लॉग इन द बॉटम रॉ नाइनटीन इन द नेक्स्ट रो एटीन इन द रॉ इन द रॉ नेक्स्ट टू इट एंड शो ऑन फाइंड आउट फाइंड आउट इन हाउ मैनी रॉ आर द टू हंड्रेड लॉक्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉक्स आर इन द टॉप रो अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे रॉ दिया हुआ है ठीक है तो, टोटल क्या है टू हंड्रेड लॉक्स है ठीक है ये जो बॉटम में है इसमें कितने लॉग हैं ट्वेंटी सेकेंड वाले में कितने हैं नाइनटीन इसके अपर वाले लॉग में क्या है एटीन लॉग्स हैं। अब इसमें क्या बोल रहा है फाइंड आउट द हाउ मेनी रॉ आर टू हंड्रेड लॉग प्लेट एंड हाउ मेनी लॉग्स इन द टॉप रो टॉप रो में कितने लॉग हैं? ये फाइंड करना है हम लोग को और क्या फाइंड करना है टॉप मोस्ट में ठीक है इसको अगर हम लोग लेते जाए तो टॉप सबसे फर्स्ट प्लेस में कितने लॉग्स होंगे फर्स्ट टर्म में तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं ये भी क्वेश्चन नंबर के टाइप से सॉल्व होगा टोटल नंबर ऑफ लॉग क्या है टू हंड्रेड टोटल नंबर ऑफ लॉग ये क्या बन गया एस एन नंबर ऑफ लॉग डिक्रीज इन इच ऑर्डर कितने कितने का डिक्रीज हो रहा है ट्वेंटी था देन नाइनटीन देन एटीन वन वन का डिक्रीज हो रहा है ना वन वन माइनस होते जा रहा है तो डिक्रीज इन रो इज वन तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा माइनस वन डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस वन ले लिए फर्स्ट टर्म क्या है ट्वेंटी ठीक है यहाँ पे क्या बना फर्स्ट में क्या है इन नीचे से स्टार्ट किया ना बॉटम से तो ट्वेंटी बन गया तो फर्स्ट टर्म इज ट्वेंटी टोटल नंबर फॉर्मूला से इसको करते हैं लो. SN, N, N हम लोग हम को फाइंड करना है कि कितने टर्म तक ये जाएगा ठीक है तो एस एन लिए एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एस एन क्या दिया हुआ है टू हंड्रेड ठीक है टू हंड्रेड एन हम लोग को फाइंड करना है ए ए का वैल्यू क्या है ट्वेंटी ट्वेंटी टू झा फोर्टी एन माइनस वन डी क्या है माइनस वन माइनस वन ले लिए ट्रांसफर किया मल्टीप्लाई में किया टू टू झा फोर क्या बन गया फोर हंड्रेड ट्वेंटी टू झा फोर्टी यहाँ पे एन था रिमेनिंग एन लिख लिया ठीक है माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते प्लस माइनस 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 एन हो गया माइनस माइनस प्लस कर right, uh, ट्रांसफर करते हैं माइनस एन था एन प्लस एन स्क्वायर हो गया प्लस एन माइनस फोर्टी एवन एन एन प्लस फोर हंड्रेड इजल टू जीरो अब स्प्लिटिंग मेथड से क्या करेंगे टू पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे ठीक है फोर हंड्रेड है तो फोर हंड्रेड का एलसीएम लेते हैं फिर उसको हम लोग ऐसे टू पार्ट में हम लोग को डिवाइड करना होता है जिसको ऐड करें किसके इक्वल आए फोर्टी वन तो क्या लेंगे ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन सिक्सटीन एंड ट्वेंटी फाइव को मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल आएगा फोर हंड्रेड के इक्वल एंड ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन क्या होता है फोर्टी वन ठीक है अब इसमें क्या लेंगे कॉमन नंबर लेंगे कॉमन क्या है इन दोनों में एन एन कॉमन लिए रिमेनिंग एन माइनस ट्वेंटी फाइव माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है सिक्सटीन तो सिक्सटीन कॉमन ले लेते हैं रिमेनिंग नंबर इज एन प्लस माइनस माइनस एन सिक्सटीन ट्वेंटी फाइव जो क्या होता है फोर हंड्रेड ठीक है अब इन पूरे में कॉमन डिफरेंस कॉमन क्या है डिफरेंस ना कॉमन कॉमन क्या है एन माइनस ट्वेंटी फाइव एन एन माइनस ट्वेंटी फाइव तो इन दोनों को यहाँ कॉमन लिए तो रिमेनिंग क्या हुआ एन माइनस सिक्सटीन अब एन का वैल्यू फाइंड करेंगे एन माइनस ट्वेंटी फाइव इसको कैसे लिखते हैं एन माइनस ट्वेंटी टू जीरो एन इज टू ट्वेंटी फाइव को ट्रांसफर किए क्या हो गया ट्वेंटी एन माइनस सिक्सटीन है ठीक है एन माइनस सिक्सटीन इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू सिक्सटीन को ट्रांसफर किए प्लस सिक्सटी तो एन का वैल्यू क्या है ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन एन के टू वैल्यूज आएंगे क्या क्या ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन ठीक है यानी कितने टर्म है ट्वेंटी फाइव एंड सिक्सटीन टर्म अब इसमें हम लोग एन के प्लेस में ट्वेंटी फाइव लेते हैं हम लोग फाइंड क्या करना है एक्चुअली में कि टॉप मोस्ट मतलब जो हम लोग का लास्ट टॉप साइड में जो देखो ये बॉटम हो गया बॉटम मोस्ट तो टॉप मोस्ट में कितने लॉक्स होंगे तो अब लॉग्स फाइंड कर लेते हैं पहले क्या करते हैं एन के प्लेस में ट्वेंटी फाइव लेके सॉल्व करते हैं कौन से फार्मूला से सॉल्व कर रहे हैं ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये फॉर्मूला है ए एन क्या है एन क्या है ट्वेंटी फाइव ए हमारा ऑलरेडी हमको फाइंड है ट्वेंटी है प्लस एन के प्लस में क्या लिए हम लोग ट्वेंटी फोर डी का वैल्यू क्या है माइनस वन प्लस माइनस ट्वेंटी माइनस फोर अब देखो माइनस फोर में तो हम लोग जो लॉग्स से उसको सेटअप नहीं करेंगे यहाँ पे ट्वेंटी देन नाइनटीन देन एटीन तो लास्ट में वन हो सकता है लेकिन माइनस में कैसे होगा इसीलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं है सो हेंस नेगेटिव नंबर ऑफ लॉग्स इज एन इज इक्ल टू सिक्सटीन तो अब एन के प्लेस में इसी फॉर्मूला में एन के प्लेस में लेके सोल्व करेंगे A हो गया, प्लस सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टीन डी कवेल के माइनस वन फिफ्टीन वन जाए माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन क्या हो गया फाइव फाइव क्या पॉजिटिव नंबर है सो देआर फोर नंबर ऑफ लॉक्स इन द टॉप मोस्ट रो विल बी फाइव पॉजिटिव एसल फाइव एक्सेप्टेबल है तो इस टाइप से क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सॉल्व करेंगे अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी क्या है इन अ पोटैटो रेस अ बकेट इज प्लेस्ड एट अ स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है ये बकेट स्टार्टिंग पॉइंट में है फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये जो बकेट है वो फर्स्ट पोटैटो से फाइव मीटर के डिफरेंस में है फिर क्या बोल रहे हैं एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस थ्री मीटर अपार्ट इन स्ट्रेट लाइन मीन्स देखो ये जो फाइव मीटर है तो नेक्स्ट वाला क्या है थ्री मीटर और मतलब फाइव प्लस थ्री एट मीटर हो गया ना फर्स्ट जो है वो बकेट से फाइव मीटर के डिफरेंस में है सेकेंड जो है वो फर्स्ट वाले से थ्री मीटर के डिफरेंस में है अब क्या बोल देयर आर आर टेन पोटैटोज इन द लाइन इस टाइप से यहाँ पे टेन पोटैटोज है इस लाइन में अब क्वेश्चन क्या बोल है अ कॉम्पिटिटर स्टार्ट फ्रॉम द बकेट पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो तो ये जो कॉम्पिटिटर है वो पोटैटो पिकअप करने कहा से स्टार्ट किया फर्स्ट रॉ से ठीक है मतलब फर्स्ट पोटैटो से यहां से स्टार्ट किया नियरेस्ट बोला है ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड स्टेप से स्टार्ट किए ठीक है रन बैक विथ इट ड्रॉप इट इन द बकेट फर्स्ट पोटैटो को वो पिकअप किया देन देन इसमें डाला फिर फिर वो आया फिर second वाले को लेकर के फिर ऐसे करके उसको लेना है फिर जाना है फिर ले, फिर पिकअप करेगा देन फिर वो बकेट में ड्रॉप करेगा अब क्या बताया रन टू द बकेट टू ड्रॉप इन इट एंड सी कंटिन्यू इन द सेम वे अंटिल ऑल द पोटैटोज आर इन द बकेट वॉट इज द टोटल डिस्टेंस द कंपिटिटर हैज रन अब ये बताना है कि जो कॉम्पिटिटर उसको टोटल कितना डिस्टेंस रन मतलब दौड़ना पड़ा यहाँ पे हिंट क्या दिया है टू पिकअप फर्स्ट पोटैटो एंड द टोटल डिस्टेंस रन बायपिटिटर इज टू इंटू फाइव प्लस टू इंटू फाइव प्लस थ्री ठीक है यहाँ पे क्या हुआ फर्स्ट वो यहाँ से यहाँ तक आई फाइव हुआ फिर यहाँ से वो बकेट में डालने गई तो प्लस फाइव इसीलिए फाइव टू टेन हो गया टेन मीटर हुआ अब सेकंड वाले में वो यहां ये तो फाइव मीटर है देखो यहां ये क्या हो गया फाइव मीटर यहां पे आई फिर लेकर के गई टेन मीटर हो गया सेकंड राउंड में वो फिर से आई यहां तक ये ये दोनों के बीच थ्री मीटर का डिफरेंस है तो फाइव प्लस थ्री क्या हो गया एट मीटर तो एट मीटर वो आई फिर एट मीटर फिर वो वापस भी गई तो ये क्या हो गया एट टू जहा सिक्सटीन तो फाइव टू जेन प्लस सिक्सटीन क्या आ ट्वेंटी सिक्स तो इस इतने दूरी में वो ट्वेंटी सिक्स मीटर कवर की तो थर्ड में तो इसी टाइप से हम लोग टोटल मीटर फाइंड करना है अब देखो फाइंड कैसे करेंगे इजी है नंबर ऑफ पोटैटो पोटैटोज के टोटल नंबर क्या है टेन है डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पोटैटो फर्स्ट पोटैटो का डिफरेंस क्या है थ्री मीटर डिस्टेंस बिटवीन ईच पोटैटो अब हम लोग को कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है तो क्या करेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म क्या है फाइव है और देखो इसमें सॉरी इसमें क्या हो है डिस्टेंस इंस थ्री मीटर मीन्स सब में थ्री थ्री मीटर का डिफरेंस है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया थ्री मीटर अब हम लोग को टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है टोटल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सम ऑफ प्रोग्रेशन एन अपॉन टू टू ए प्लस एन माइनस वन डी एन क्या है टेन है ए क्या है हमारा फाइव एंड डी थ्री तो अब वैल्यू पुट करते हैं टेन टू फाइव जा टेन टी सेवन प्लस टेन क्या हो गया थर्टी सेवन थर्टी सेवन फाइव जा वन हंड्रेड एट्टी फाइव तो वो टोटल कितने मीटर वो रन करेगी वन हंड्रेड एट्टी फाइव मीटर अच्छा ये वन हंड्रेड एट्टी फाइव मीटर टोटल नहीं हुआ देखो यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना लगा 185 मीटर लेकिन वो यहाँ से यहाँ तक तो आ, फिर रिटर्न भी तो गई तो रिटर्न जाने के लिए क्या करेंगे 185 एट्टी प्लस वन टू टाइम्स इसके लिए क्या आ जाएगा दे आर फोर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल एंड गोइंग अप टू पोटैटो एंड रिटर्निंग बैक टू बकेट पहले वो गई फिर बकेट में फिर गई फिर बकेट में तो उसको टू टाइम्स जो भी डिस्टेंस उसको वो टू, टू टाइम्स कवर की इसीलिए टोटल डिस्टेंस को हम लोग टू से मल्टीप्लाई कर दिए टू फाइव जे टेन जीरो अगेन इज टू वन जे टू एंड वन थ्री टोटल डिस्टेंस को कितना कवर की थ्री हंड्रेड सेवेंटी मीटर ये हो गया हमारा आंसर सो so, हमारा चैप्टर फोर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज थ्री कंप्लीट हो गया है चैप्टर फोर कंप्लीट हो गया है अगर आप लोग कोई वीडियो समझ में आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दीजिएगा और अगर आप लोग चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा थैंक यू